चाइना ने अपने करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला है। बांग्लादेश जो है गारमेंट्स की एक्सपोर्ट में चाइना को क्रॉस कर गया। बीए एमए कर लेता है और उसके बाद वो उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वो सिर्फ टीचिंग कर सकता है या कुछ, उसके पास कोई स्किल सेट नहीं होता है। हमारा एजुकेशन एक सिस्टम एक मशीन बन गया है जहाँ से लोग एजुकेशन लेते हैं बगैर स्किल के। एक बच्चा पढ़ लिख जाता है हमारे इलाके का बीओ पारी उसे ज़्यादा कमा रहा था। द रीज़न इज़ कि बीओ पारी के पास एटलीस्ट कुछ स्किल्स है। हम कमाने के बजाय मांगने को तरजीह दे रहे हैं। क्या हम सब ऐसे हैं? दीगर ममालिक में जाते हैं और वहाँ पे उनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं लेकिन वो यहाँ पे रह के बड़े काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एलन मस्क क्यों नहीं पैदा हो रहा? बिल गेट्स पाकिस्तान में क्यों नहीं पैदा हो रहा? क्यों कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहे? किसी तकड़े पुलिस वाले को पकड़ लो, कुछ तकड़े एफआईए वाले को पकड़ लो, वो दो मिनट में आपको निकलवा लेगा लेकिन कोर्ट में गया खचर खुआर हो जाएगा। दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल। ऐसे हम 130वें नंबर पर नहीं आए। इंसाफ सबके लिए बराबर अगर नहीं करेंगे ना तो ओवरसीज पाकिस्तानी अगर ये सोचता हूँ। हमने बिस्प की लाइन में लगाया बेनजीर इनकम सपोर्ट की प्रोग्राम के लाइंस में, हमने उनको 12-12 हज़ार रुपए दे दिए। दीगर कौमें जो हमारे बारे में वो सोचती हैं वो भिखारी। मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में हम गुर्बत और बेरोज़गारी का किस तरह से खात्मा कर सकते हैं इस सीरीज़ में हम ये डिस्कस करेंगे और हम पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स को इस अपनी सीरीज़ में लेके आएंगे और उनके साथ हम ये डिबेट करेंगे कि हम पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा कैसे कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत स्पेशल हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मारूफ सोशल वर्कर हैं, CEO ANK ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दुबई में इनका सेटअप है, पूरी दुनिया में अपना बिज़नेस करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में इनके ऑफिसेज़ हैं। तो बग़ैर आपके और इनके दरमियान ज़्यादा देर हायल हुए मैं इनकी तरफ इनकी जानब जाऊँगा। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक तो ये है कि वो कौमें जो कुछ ऐसी जिनको हमारे साथ आज़ादी मिली, कुछ ऐसी जिनको बाद में हमसे आज़ादी मिली, वो हमसे आगे निकल गया और हम हैं कि दिन ब दिन जो है ना वो तरक्की मकूस कर रहे हैं, पीछे की जानब जा रहे हैं। अब एक तो ये है कि हम रोना धोना शुरू कर दें कि भाई हमारे DNA में ही तरक्की करनी नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई हम कमर बंद बांधें और मेहनत करें और देखें कि वो कौमें जिन्होंने तरक्की की है, चाइना ने अपने करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला है, बांग्लादेश ने, आज की अभी खबर है कि बांग्लादेश जो है गारमेंट्स की एक्सपोर्ट में चाइना को क्रॉस कर गया, जो सुपर पावर बनने जा रहा है उसको क्रॉस कर गया। और वही बांग्लादेश जिसको 1971 में उस टाइम के अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने आलमी भिखारी डिक्लेयर किया था, जो आलमी भिखारी वहाँ तक पहुँच गया कि उसने सुपर पावर को वो गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स में उसने टक्कर दे दी और क्रॉस कर गया। अब दूसरा ऑप्शन यह है कि हम उनसे सीखें, तो हम ये कब सीखेंगे और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करके, आपके ख्याल के मुताबिक जिनके ऊपर हम काम करके इस चीज़ का गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं, बेरोज़गारी का खात्मा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मेरे हिसाब से ये जो हमारे ख़ासतौर पर पाकिस्तान के मसाइल हैं, शायद हमें दो तरह के, एक कम्युनिटी होती है एक गवर्नमेंट होती है, तो मुझे लगता है कि हमें दोनों लोगों को काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा और हमारी कम्युनिटी जिसको हम सोशल वर्क बोलते हैं उनको अपने एंड पर काम करना पड़ेगा। और हम पैरेलल दोनों काम करेंगे तो हम ही तभी जो है ना वो इसके गुर्बत का खात्मा कर सकेंगे। मेरे हिसाब से अगर हम एटलीस्ट, इससे और भी हो सकती है बट मेरे हिसाब से हम चार चीज़ों पे अगर काम करते हैं तो हम बहुत जल्दी जो है अपनी गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। उसमें पहली चीज़ तो डेफिनेटली एजुकेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा तलीमी सिस्टम है उसमें एजुकेशन तो है, कुछ लोग पढ़ लिख जाते हैं लेकिन उसमें स्किल डेवलपमेंट का बड़ा फुकदान है। तो हमें एजुकेशन के साथ साथ ऐसी एजुकेशन देनी है जिसमें लोगों को काम करना है एक्चुअली में। अब एक हमारा बंदा है BA MA कर लेता है और उसके बाद वो उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वो सिर्फ टीचिंग कर सकता है या कुछ, उसके पास कोई स्किल सेट नहीं होता है। तीसरी चीज़ डेफिनेटली हम जो है वो जो लोग हमारे स्किल्ड हैं ऑलरेडी, एटलीस्ट हम उनकी जॉब प्लेसमेंट पर काम करें। हम आउट ऑफ कंट्री भी भेज सकते हैं, अपने उसमें भी अपने मुल्क में भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट के जो मौके क्रिएट कर सकते हैं। और साथ चौथा जो चीज़ है वो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो इंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है ना उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है कि हम अरे जो एक हम एक हमारा एजुकेशन एक सिस्टम एक मशीन बन गया है जहाँ से लोग एजुकेशन लेते हैं बगैर स्किल के एजुकेशन लेते हैं और जी और नौकर निकालते हैं और हम नहीं सोचते कि यार हमें कभी कोई स्टेज ऐसी भी आनी चाहिए जहाँ पर हम बिज़नेस करें। आप यहीं
यकीन करें कि समटाइम ऐसे होता है कि एक बच्चा पढ़ लिख जाता है, हमारे इलाके का बीओ पारी उसे ज़्यादा कमा रहा था। द रीज़न इज़ कि बीओ पारी के पास एटलीस्ट कुछ स्किल्स है, ड्राइवर के पास एटलीस्ट कुछ स्किल है, बट हमारे बंदा जो है वो क्या हो जाता है, ऐसे सिस्टम से निकलता है कि अगर वो वापस जाता है अपने पास घर पे, तो उसके पास कोई घर का काम करने के लिए नहीं है क्योंकि ही डू नॉट हैव स्किल्स। और अगर वो काम करने जाता है तो उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, तो उसको लोग जॉब नहीं देते। तो ये चार चीज़ों पे अगर हम काम करें, और फिर मैंने जैसे पहले बताया कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट को काम नहीं करना है, हमारी इस कम्युनिटी को भी काम करना है। हम मिसाल के तौर पे हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार ऐसे मैं अगर इंडिविजुअल बात करूँ तो हम ये सोचते हैं कि यार हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हम क्या ऐसा काम करें कि हम एजुकेशन पर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिर्फ छोटे छोटे काम भी कर लूँ, मिसाल के तौर पर मैं ये करता हूँ कि मैं अपने इलाके में ये इंश्योर करता हूँ कि कम अज़ कम हर बच्चा जो मेरे गाँव का है या मेरे शहर का है जो मेरे करीबी है, वो एटलीस्ट मैं ये सिर्फ इंश्योर कर पाऊँ या ये इंपॉर्टेंस को रियलाइज करा पाऊँ कि आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजना है। तो बच्चा अगर स्कूल चला जाएगा तो डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा एक रेशो से पढ़ पाएंगे। मैं अगर कोई बच्चा मैं देखता हूँ कि यार वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है एजुकेशन में, तो मैं एटलीस्ट उसको किसी, मैं कोई ऐसी लिस्ट बना सकता हूँ एनजीओज की, मैं ऐसी कोई लिस्ट बना सकता हूँ जहाँ पर उसको सपोर्ट मिल सकती है और मैं उसको उनसे कनेक्ट भी कर दूँ, ठीक है। तो इसमें कहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो मैं अगर ये काम करता हूँ तो हम बड़े लेवल पे जो है वो एटलीस्ट बहुत से लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं। और एजुकेशन मुझे लगता है कि एक ऐसा सोर्स है जिससे हम कभी जिंदगियों को तो बदल सकते हैं। हम गुरबत अदरवाइज़ क्या होता है हमारे, अब मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बंदा जो कि एक जगह काम करता है 15,000-10,000 कमाता है, फिर उसका बेटा उसके साथ जुड़ जाता है, फिर उसका पोता उसके साथ जुड़ जाता है, और वो 10-15 हज़ार में पूरे ख़ानदान ज़िंदगी गुजार देता है। तो उनकी बेसिक नीड्स उससे पूरी नहीं होती हैं, तो एजुकेशन कहाँ से हासिल कराएंगे। तो मैं एडवाइस करूँगा जहाँ सोशल वर्कों को काम करना चाहिए वहाँ पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, वहाँ पे वालदैन को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम बेशक भूखे रहें, चाहे हम चटनी से खाएं, चाहे हम कुछ भी कुछ और ना करें, लेकिन हम ज़रूर कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को तलीम दें। और अगर बच्चों को तलीम दे पाए तो यकीन करें कि एक बच्चा भी अगर पढ़ जाता है ना तो वो पूरे ख़ानदान की काया पलट सकता है, ठीक है। तो हमें पहला तो एजुकेशन पर काम करना चाहिए, फिर दूसरा जैसे मैंने जैसे बताया कि स्किल डिवेलपमेंट पर, तो बहुत से लोग हैं जैसे माशाल्लाह से आप भी आईटी के ऊपर बहुत से काम कर रहे हैं, इस तरह से लोग डिफरेंट जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक मज़दूर है मिसाल के तौर पर, अब मज़दूर है वो 10,000 कमाएगा, लेकिन उसी को अगर आप वेल्डिंग सिखा दें, उसी को आप थोड़ी सी स्किल्स डेवलपमेंट कर दें, तो वो 10-20 कर लेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा एक सिंपल ग्रेजुएट है, बीए एफए पास है, अगर हम उसको थोड़ी सी आईटी के स्किल दे दें, उसको कुछ और हुनर सिखा दें, तो वो उसकी जो एजुकेशन है ना, वो उसकी जो इनकम है वो उस पर 4 गुना इजाफा कर देगा, ठीक है। तो हमें स्किल्स पे अगर हम इस तरह से काम करें तो हम जो है ना वो तीसरी चीज़, जैसे मैं हम ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि हमारे लोग क्या करते हैं कि खाना खिला दिया, ये कर दिया, लंगर खाना ओपन कर दिया, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसको भूख लगी होती है ना, ये उसको एहसास होता है कि उसके खाने की क्या इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास अगर सरप्लस मेरे बेसिक अगर मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट ऐसा भूखा नहीं है जो कि मर जाएगा, तो मुझे उसको खाना नहीं देना चाहिए, मुझे वो पैसे यूज़ करके किसी स्किल्स डिवेलपमेंट पे या मुझे किसी को बिजनेस स्टार्ट करा के देना चाहिए, ठीक है। और मेरे हमारे खास तौर पे एजुकेटेड लोगों को मैं बताऊँ आपको कि ज़रूर एक लाइफ में जो है वो आगे आना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मैं आगे अपनी बात बताऊँ तो एक स्टेज थी मैं जॉब कर रहा था और ऑल ऑफ सडन मैंने सोचा कि यार मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, मेरे पास शायद मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि मैं फैमिली को कैसे पालूंगा, तो मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँ। तो मैंने एक छोटा सा सीखा, लोगों से डिस्कशन की और मैंने रियलाइज़ किया, मैंने क्या किया, मैंने अपने साथ 5-6 पार्टनर मिलाए। उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, 4-5 पार्टनर मिल गए, मेरे बिजनेस की कास्ट, ऑफिस की कास्ट डिवाइड होगी, मेरे पास 6-7 लोग वेरिएबल कास्ट के ऊपर स्किल फोर्स अवेलेबल थी और 6-7 लोग काम कर रहे थे और मैं एक ग्राउंड पे था और मैं काम कर रहा था। तो उससे क्या हुआ कि काम भी आ रहा था, एक बंदा काम करने वाला था, फिर 5 लोग जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो मुझे किसी हद तक सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक मैं आया, फिर मेरे साथ दूसरा पार्टनर आया, फिर तीसरा आ गया, तो इस तरह से हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 by 1 जो है वो सारे ग्रो कर गए। तो मुझे लगता है कि हमारे ना हमें स्मार्ट आइडियाज़ पर काम करना पड़ेगा, अगर हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा हो तो ही हम काम कर सकते हैं।
तो ये मेरी कुछ सजेशन है, मुझे लगता है कि इन चार एरियाज़ पे हम अगर काम करें तो डेफिनेटली हम जो है वो अपनी गुरबत का ख़ात्मा कर सकते हैं। सर जहाँ तक आपने बात की एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर की और आपने बात की कि हमारे जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो नौकर पैदा कर रहे हैं, नौकर निकाल रहे हैं, तो मुझे कल रात जब हम वॉक कर रहे थे तो एक चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे वो मुझे याद आई, वो ये कि एक गाँव का लड़का जिसको जिसने आप बता रहे थे कि MSc कंप्यूटर साइंस उसकी क्वालिफिकेशन है और आपने उसको वो अगर आप ही बता दें अगेन हमारे ऑडियंस। मैं ये कह रहा था कि मुझे एक लड़का मिला, उसने MSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, तो मैंने मुझे आया मुझे कह रहा है कि 20,000 की जॉब दूँ, तो मैंने बोला यार ऐसे करते हैं मैं आपको, आप थोड़ी सी जो ना IT के स्किल्स के ऊपर काम करें, आप एक लैपटॉप लें, आप किसी शहर में जाके बैठें, एक तो आप वहाँ पर CVs भी ड्रॉप कर सकते हैं, साथ में आप थोड़ा सा फाइवर पे अपवर्क पे इस तरह की चीज़ें पहले स्किल्स लें फिर इसके ऊपर काम करें, तो यकीन करें 20,000 कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप एक USA UE का वो एक क्लाइंट पकड़ लेंगे तो वो भी ऐसे आपको ज़्यादा पे करेगा। ठीक है, तो हम लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम शॉर्टकट के तलाश में होते हैं। ठीक है, तो मैं बड़ी बहस की उसके बाद उसको बड़ा समझाया और कोई 1-1.5 घंटे के बाद जब मैं चलने लगा तो मैंने उसे बोला कि कोई और चीज़, तो कहता है यार कोई जॉब हो तो ज़रूर बताना, तो 20,000 हो के जॉब हो, तो मैं कहने का मतलब ये कि हमें जो है ना वो शायद लगता है कि हम पढ़ लिख गए हैं ना तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ कि हम नौकरी लें। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट आपके पास स्किल्स आ गई हैं, आपने तलीम हासिल कर ली है, आप एक लिटिल बिट टाइम के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, जिसका कोई मैच नहीं है। यकीन करें मैं अगर अपनी पर्सनली बात बताऊँ तो जब से मैंने बिजनेस शुरू किया है मेरी अपनी इनकम में तो जो इजाफा हुआ है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कम्युनिटी सर्विस 100 times बढ़ गई हैं इस वक्त। मैं मतलब शायद ही जब मुझे लगता है मैं आपके साथ माशाल्लाह से काम कर रहा हूँ, आपके साई स्कूल पर काम किया, IT सेंटर हम मिलकर बना रहे हैं, हमारे और गांव के लड़के हैं उनके साथ मैं मिलकर बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग ट्रेनिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मैं जॉब सीकर्स की गैदरिंग करता हूँ, आज भी एक सेशन किया है, हम उसकी कभी बार भी क्यों करते हैं, कभी क्रिकेट करते हैं, उसके लिए मुझे टाइम भी मिला, मुझे रिसोर्सेज भी मिले। फिर मैं ICAP के साथ मैंने इलेक्शन लड़ा और उस प्लेटफॉर्म पर मैंने अपने आप को जो भी मैं कर सकता था मैंने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, बहुत से इवेंट्स बहुत सी चीज़ें हम उस पर भी कर रहे होते हैं, फिर इस तरह से पाकिस्तान एसोसिएशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो ये सारा टाइम मिला पैसा मिला तो मैं अपनी ज़िंदगी से बाहर सोचना शुरू किया। लेकिन जब मुझे लगता है कि हम 9 से 8, 9, 10 बजे तक काम करते हैं, रात को सिर्फ जॉब करते हैं और हम इस तरफ नहीं जाते, तो शायद जो हमारी इनकम तो चलो ठीक है जो ग्रो करते करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यार हमारा टाइम इतना उधर लगता है कि हम इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं सोच सकते, जो कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ तो हम शायद अपनी अर्निंग भी कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं और प्लस हम जो है वो। और दूसरी एक चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा ना, तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर अदर्स। अगर हम ये करते हैं ना, हम किसी मतलब जगह में भी जाते हैं, किसी गैदरिंग में भी जाते हैं, तो हमें इस इंटेंशन से जाना चाहिए कि यार इसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं इससे मुझे क्या गेन मिलेगा। अगर हम सारे लोग एक कंट्रीब्यूशन की नीयत से अगर हम काम करते हैं ना, तो फिर इंशाल्लाह एक ऐसी सिनर्जी क्रिएट होगी जिससे मेरा तो एक जो बंदा कंट्रीब्यूशन की नीयत से सोच रहा है उसका भी फायदा होगा और बाकी लोगों का भी फायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक बात है ना उस MSc जिस लड़के ने की हुई थी, MSc कंप्यूटर साइंस, अच्छा इसमें हम 2-3 चीज़ें और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन है MSc कंप्यूटर साइंस और वो जॉबलेस है, उसके पास जॉब नहीं है। अच्छा, अब हमारा जो कि मैं भी गांव से बेसिकली बिलोंग करता हूँ, आप भी, तो हमारा जो उस साइड का है वो तो वहाँ पे ये भी एक मेंटेलिटी है कि यार पढ़ लिख के भी या तो जॉब ही करनी है, और अगर जॉब नहीं हो तो यार फलां जो पढ़ा था तो उसकी जॉब नहीं हुई, तो मतलब आसिफ पढ़ा था, आदिल पढ़ा था, कोई भी XYZ कोई भी पढ़ा था और उसकी जॉब नहीं हुई थी, तो तुम क्या, तुम्हारी जॉब कैसे हो जाएगी। तो एक तो ये, अब दूसरा ये है कि वो जो जिसकी क्वालिफिकेशन थी MSc कंप्यूटर साइंस और वो जॉब के लिए कह रहा था, एक तो ये है कि लोग उसको देख के बाकी अपने बच्चों को वो कहेंगे कि यार उसकी नहीं हुई, उसने क्या कर लिया MSc करके। अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि उसने MSc की है, लेकिन MSc के साथ जो आपने अभी जिक्र किया कि एजुकेशन विद स्किल नॉट विदाउट स्किल, मतलब अभी हमारे पास कोई ऐसा बंदा है कि जिसकी बहुत सारे बल्कि ऐसे बंदे हैं कि जिनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, इंटर है या बैचलर है, यानी कि मास्टर से कम है, बट वो IT में अच्छा अर्न कर रहे हैं। इवन कि मेरी अपनी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसे टीचर्स हैं, तो मतलब
उन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया, स्केल के ऊपर, और स्केल पे फोकस करके उन्होंने कुछ ने तो अपना बिजनेस भी खड़ा कर लिया और कुछ ने जॉब्स कर ली, और दूसरी तरफ उसने एमएससी कर ली, और एमएससी करने के बाद फिर भी वो उसका एक तो उसकी मेंटेलिटी वही जॉब वाली है और दूसरी ये है कि वो बिल्कुल बेरोज़गार है। तो इस चीज़ को तो आपका आपने ये जो चार पॉइंट्स बताए उसमें इस चीज़ को तो बहुत आप कह लें कि तकवीयत मिलती है कि इसके स्किल के बगैर, मतलब अगर आपका डिग्री भी नहीं है तो मेरे ख्याल में वो किसी काम की नहीं है, अगर इस मिसाल से हम देखें तो मेरे ख्याल में ऐसे ही है। इसमें थोड़ा सा जो ऐड करूंगा ना, देखें एक अगर एमएससी वाले बंदे को अगर आप आईटी सिखाते हैं ना या इवन भेड़े में चढ़वाते हैं ना, और उसका जो जो होता है पोटेंशियल होता है टू लर्न, वो कहीं ज़्यादा होता है एक अनपढ़ से या फिर बीए पास से, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर किसी ने एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर ली है तो वह बिल्कुल बेकार है, उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उनको स्किल्स सीखनी चाहिए। और फिर दूसरा ये थोड़ा सा ना, देखें मैं बताऊँ आपको, हम लोगों को ना बड़े शहरों की तरफ मूव करना चाहिए, मतलब ये अगर हम पढ़ लिख गए हैं तो हम सर जाके बैठ जाएं, खासतौर में आपने गाँव में बात करें तो जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि यार आप थोड़ा सा बड़े शहर में मूव करें, आप वहाँ पे जाएं, आपने कुछ ना कुछ करते रहें। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा से मुझे लोग बोलते हैं कि यार हमें हम कैसे ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ यार आप एकदम अपने बैठें, आप वो एक्टिविटीज़ के ऊपर लिखें कि यार जो आप एक्टिविटी कर सकते हैं इस वक्त, मिसाल के तौर पर एक एक्टिविटी हो सकती है आप सीवी एक डोर टू डोर के आ सकते हैं, आपकी एक एक्टिविटी हो सकती है कि आप डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स हो रहे हैं, आप वहां पे जा रहे हैं, आपकी एक एक्टिविटी ये हो सकती है कि आप कुछ रीडिंग कर रहे हैं, आपकी कोई एक्टिविटी ये हो सकती है कि आप आईटी की स्किल्स हासिल कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी लिखें जो कि आपके बस में है, और प्लीज़ आप उस एक्टिविटी पर फोकस करें, और इंशाल्लाह ये तो वो एक्टिविटी आपको ऐसे रास्ते पर पहुँचा देगी जो कि आपके लिए सक्सेस का रास्ता होगा, या वो एक्टिविटी से आपको एक और रास्ता मिलेगा जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो हमें हाथ पे हाथ रख पे नहीं बैठना है, हमें कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करना है कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए करते रहें, और इंशाल्लाह हम जब कोशिश करेंगे तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और इसके अलावा सर आपने जिक्र किया कि आप इस चीज़ को तरजीह देते हैं कि ठीक है खाना खिलाना भी अच्छा काम है, नेक काम है, एक भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है, लेकिन बजाय इसके कि हम उनको उनकी वक्ती सपोर्ट करें उसके बजाय हमें कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि हम उनको कोई छोटा सा कारोबार करके दें। तो मुझे वो कल रात वाला वाकया याद आ रहा है, कल रात हम एक साथ ही थे, शॉपिंग के लिए गए हुए थे, तो वो एक बच्चा जब आया तो आपने मुझे कहा कि आसद भाई इसको पैसे देने चाहिए, तो मेरा यही था आपको जवाब कि इसको पैसे, मतलब एक तो जो हम सोशल वर्कर्स हैं हम तो कहते हैं कि अभी आते हुए भी हम गाड़ी में डिस्कस कर रहे थे कि यार मैं पैसे अपने पास नहीं रखता, लड़के के पास रखता हूँ, रीज़न ये कि कोई भी मांगने वाला निकाल के दे दिया, बस खाली हो जाए, हम हमारी खैर है, बस कोई जो है ना वो ज़रूरतमंद ना रह जाए। अब मेरा जवाब ये था कि इसको मैं पकड़ूँ, इसको मैं ले जाऊँ साथ, या इसको मैं मतलब अगर नहीं साथ ले कर जा सकता तो इसको मैं देखूँ, इसके माँ बाप से जाके मिलूँ, और इसको या तो मैं बेहतर तो यह है कि स्कूल में जाके दाखिल करवाऊँ, ये पढ़े और इसकी जो बेसिक नीड्स हैं अगर ये प्रोफेशनल भिखारी नहीं है तो हम वो पूरी करें, और दूसरी ये है कि अगर वो नहीं स्टडी कर सकता या कुछ इस तरह के मसाइल हैं तो हम उसको कोई ऐसा कारोबार करके दे दें। तो मतलब इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, हम देखते हैं कि अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, दीगर शहरों की बात करें, तो हमें जगह जगह पर बोर्ड दिखाई देते हैं, फुलां फरी खाना, फुलां फरी खाना, तो क्या इन चलो सब को नहीं, चलो मतलब एक हम कह लेते हैं कि यार चलो 10 किलोमीटर के अंदर एक हो जाए या 20 किलोमीटर के अंदर एक हो जाए, बजाय जगह जगह पे होने के, तो वो जो बजट लग रहा है उस बजट को, एक तो ये चीज़ कि हम उसको कारोबार की तरफ लेके जाएं, स्किल्स कर, दूसरा ये है कि हम अब हमने बिस्प की लाइन में लगाया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की प्रोग्राम के लाइंस में हमने उनको 12,000 रुपये दे दिए। अब मतलब एक पहले हमारी कौम की मेंटेलिटी है, हम इंटरनेशनली हमारे जो एक दीगर कौमें जो हमारे बारे में वो सोचती हैं वो भिखारी, अब और हम भी वही कर रहे हैं, मतलब हाँ एक खातून है उसको पता है कि मैंने 3 महीने बाद जाके 12,000 ले लेने, अब पूरे 3 महीने यानी कि 90 दिन उसके जेन में वही 12,000 चल रहे हैं, मतलब उसको पता है कि कितने 80 दिन हो गए, 70 दिन हो गए, मतलब इतने दिन रह गए हैं, मैंने 12,000 ले लेने। अब वो अपने जहरी बातें बच्चों के साथ भी डिस्कस कर रही होगी, अब बच्चा कहता है अम्मी मैंने शूज़ लेने हैं, ओके क्या बेटा वो पैसे आएंगे 12,000 रुपये तो उसमें से मैं आपको ले, अब वो बच्चे मतलब वो एक एम्प्टी मेमोरी कार्ड है तो उसमें तो हमने जो उस चीज़ को उसमें सबमिट करनी है उसने वही रोल प्ले करना है, तो मतलब कि आप नहीं समझते कि ये चीज़ें हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। अच्छा एक तो ये बच्चे वाली मिसाल से मुझे याद आया, मैं एक दफ़ा बैठा था तो मैंने सोचा कि यार हमारे गाँव के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते,
तो उसमें मुझे एक जो चीज़ मैंने फील की कि हमारा जब कोई जानवर बिकता है ना तो हम उसको नया सूट लेके देते हैं, जब हमारा कोई ऐसा कोई शादी आती तो नया सूट लेके देते हैं, लेकिन मैं चाहे क्लास में टॉप करूं चाहे मैं जो मर्जी करूं मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो वी हैव टू क्रिएट द कल्चर कि हम एक्चुअली में हमने किस डायरेक्शन पे लगाना है डेफिनेट लोगों को, तो उसमें हमें बच्चों को इनकरेज करना पड़ेगा जब भी वो उसमें जाते हैं। एक चीज़ दूसरी बात देखें, आप मैं आपसे शायद पार्शली एग्री करूँ कि हमें ये सारा मतलब इस चीज़ को ख़त्म करके दूसरे पर जाना चाहिए, मतलब एक मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें जब भूख लगी होती है ना, कहते हैं ना जो गुरबत जो पेड़ खाली है ना वो आधा कुफ्र है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा एक शॉर्ट टर्म प्लान तो हो सकता है कि हम कुछ लोगों को खाना खिला दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए हमारी, कि हम जो है ना लंबे अरसे तक हम चलो ठीक है ओके कुछ लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन अगर हमें गुरबत से निकलना है तो हमें इसको एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी समझ के एक टाइम के लिए बजाय, अभी कितने साल से मैं देख रहा हूँ कि जी बेनजीर इनकम स्कोर प्रोग्राम चल रहा है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। आई मीन मुझे लगता है कि यार एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी के लिए ठोके हम कुछ लोगों का पेट भर दें, लेकिन हम अगर लॉन्ग टर्म तक यही सोल्यूशन रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये हम इस तरह से अपनी गुरबत को खात्मा नहीं कर सकते। तो हमें स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, लोगों को रोज़गार देना पड़ेगा, इस साइड के हम जो है ना उसको सिर्फ भिखारी बना दें उसको कर दें। लेकिन आप अभी ये जैसे मिसाल के तौर पे किसी को 12,000 दे दें, अगर गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है तो उसे एक फिजिक जैसे अखुवत है मिसाल के तौर पर, वो पूरी अखुवत एक अपनी वो बनाती है फिजिबिलिटी बनवाती है लोगों से कि आप क्या काम कर सकते हैं, और उसको एक दफ़ा 50,000, उसको एक दफ़ा 40,000, उसको एक 50,000 देती हैं और उसको फिर एक बिजनेस शुरू करा देता है, वो अपने आप को पालता है, अखुवत को पैसे भी वापस करता है, और उनकी मैंने सुना है कि शायद 99% कितनी रिकवरी रेट है, ठीक है। तो हम बजाय से कि ऐसे टुकड़ों में दे के मतलब आप बच्चों को भी देख लें, हम क्या होता है कि आप बच्चों का कभी देखें आप 10-10 रुपया देंगे ना तो फौरन से उड़ा देंगे, लेकिन अगर आप एक दफ़ा उसको दे देना तो वो अपनी सेविंग को बढ़ाना शुरू कर देगा। दिस इज़ ह्यूमन नेचर है ना गार्डन फैन के, आपको जो है ना वो हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि हम इंस्टेड ऑफ दिस कि हम थोड़े थोड़े करके दें, हम वो लोग जो साहब रोज़गार उनको कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम कर दें। बेशक हम शायद गवर्नमेंट का ये होता है कि हमारे यहाँ मिजाज ये है, हमारे अनफॉर्चुनेटली सियासतदान भी यही करते हैं और गरीब को भी पैसे मिल जाए तो वो यही कहते हैं कि गवर्नमेंट से मिला तो माले मुफ्त है और हम खा जाएं, हम वापस करने का नहीं सोचते। तो लेकिन एटलीस्ट हम और लेकिन अब हुआ था, मैं जैसे बता रहा हूँ कि वो लोग 99% रिकवरी करते हैं, द रीज़न इज़ कि लोग उसका पैसा नहीं खाना चाहते, लोग बोलते हैं अच्छा बड़े बड़े जी अरबों खा गए तो मैं मुझे 10-12 हज़ार खाने में क्या है, लाइक लेकिन हमारी मैंटेलिटी है लाइक। तो मुझे लगता है कि कम से कम इस तरह की NGOs इस तरह की चीज़ों को जो स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं हम इनको थोड़ा सा फंड करें, जो मुझे लगता है कि शायद इमरान खान के दौर में हुकूमत ने एक एग्रीमेंट भी किया था और इस तरह से काम करने की कोशिश की थी, मुझे नहीं पता अभी क्या है। तो हम इस तरह की NGOs को थ्रू जिसकी सक्सेस ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी हैं हम इनको फंड करें, गवर्नमेंट फंड करें, ये स्किल डेवलपमेंट पर काम करें तो चलो ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम तो थोड़ा सा किसी को लोगों को फूड भी खिलाते हैं, जो कि मेरा ख्याल इमरान खान ने भी वो शेल्टर बनाए थे और वो, तो अगर वो लॉन्ग टर्म तक के लिए होती तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो एक्सेप्टेबल है, स्टिल एक्सेप्टेबल है। नहीं शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल में ना कोई पॉलिसी है हमारे अरबाब अख्तियार की और ना मेरे ख्याल में हो सकती है। अभी पिछले दिनों जब मंशूर का ऐलान किया है पीपी के बिलावल भुट्टो ने, तो बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया है कि हम जो बिस्प है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसको मज़ीद तोसी देंगे उसमें, मतलब मुझे अच्छा आप पता नहीं इसे एग्री करते हैं या नहीं, मतलब मुझे ये चीज़ बड़ी डेंजरस लगती है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि अब इससे बहुत सारे लोग ऐसे भी कि मतलब वो कहेंगे कि यार असद भाई आप ये बात क्यों कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो डिज़र्विंग हैं और उनको 3 महीने बाद 12,000 मिलते हैं तो उनके घर में राज, यार मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इस पॉलिसी के अगेंस्ट हूँ जो पूरी कौम को भिखारी बना रही है, जो आपको मतलब कि एक वो कहते हैं ना कि डब्बे के बाहर सोचिए आप एक वो कुएं के मेंढक बना रही है आपको कि आपने मतलब और कुछ सोचना ही नहीं है, बस हमने आपको इतना डाल दिया दे दिया तो आप आपके बच्चों की मैंटेलिटी भी यही होगी, हमारी सारी कौम की मैंटेलिटी यही होगी, हमारे जो वो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे उस प्राइम मिनिस्टर को खुशकिस्मत कहा जाता है जिसको भीख ज़्यादा मिल जाए, तो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सारा सेटअप ये कि उसकी भी यही मैंटेलिटी होती है कि मैं दुबई चला गया उनसे मैंने $1 अरब ले लिया, मैं सऊदी अरब से चला गया मैं दोस्त ममालिक से उनसे ले लिया, तो मतलब इस तरह से मतलब जो हम चला के शुरू से लेके आ रहे हैं, तो फिर हम इसी में अभी मतलब अब वो 2024 में अपना सियासी मंशूर जारी कर रहे हैं और सोच देखें कि मतलब हमने वही पुरानी उस पे मेंटेलिटी पे चलना है, पुरानी वही सोच है कि हम इसको मजीद बढ़ाएंगे।
हाँ असर भाई, मैं आपसे बिल्कुल रियली वेस पे एग्री करता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो हमारी कभी भी नहीं हो सकती है। आप यकीन करें, मैं बताऊँ आपको, अगर मिसाल के तौर पे अपनी बताता हूँ, तो अगर मैं किसी भी एक बंदे को, जो खासतौर पे आपको पता है कि हमारे ख़ानदान का कोई बड़ा होता है या खासतौर पे बाहर रहता है, तो हर बंदा तवक्को करता है कि उसको पैसे उसको पैसे देने चाहिए उसको। तो हम अगर मैं अपनी ज़ात से भी देखूँ ना, तो अगर मैं किसी बंदे को पहले 40,000 देता था, अब मैंने उसको 50,000 कर दूँ, फिर उसको अगर पता चल जाए कि मेरी ज़्यादा इनकम है, तो वो क्या होगा, वो अपनी ख्वाहिशें बढ़ाता जाएगा। मतलब वो साइकिल पे था तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल पे था तो कार चाहिए तो आईफोन, नॉर्मल फ़ोन चाहिए, नॉर्मल चाहिए तो आईफोन चाहिए। तो हम किसी को सिर्फ पैसा देते जाएँ लॉन्ग टर्म तक, तो उसकी भाई मैक्सिमम क्या होगा कि उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी, और उस अनफॉर्चुनेटली में जो डेंजरस है ना, ये होता है कि जब आप कमा के नहीं खर्च करते हैं ना, तो फिर आपके आपके हाथ में अरबों रुपए दे देना, तो आप एक मिनट में उड़ाने में आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वो एक कभी भी 1,00,000 भी कमाया हो ना अपने हाथों से, तो फिर आप 100 दफा सोचेंगे कि मैं इसको कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे अच्छा खर्च कर सकता हूँ। तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ से मैं हक में हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये नहीं हो सकती है कि हम जो है ना लोगों को पैसे देते जाएँ और फिर उसको बस यही है, जैसे मैंने बता रहा कि एक भिखारी बना दें, फिर एक एज आती है उसके बाद तो फिर वो 100% भिखारी है ना, उसके बाद उनको आप स्किल सिखाना चाहेंगे, उसको काम पर लगाएंगे, तो वो काम करने के लिए भी रेडी नहीं होगा, बिकॉज उसका हैबिट बन गई है कि यार मुझे कहीं से पैसे आ रहे हैं और मैं खा रहा हूँ। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली, आपने अपने पॉइंट्स भी उसमें बोल दिए कि इन पॉइंट्स के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। अब हमने ये देखना है कि क्या हमारी ये जो कौम है इस वक्त, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि हम भिखारी हैं, हम कमाने के बजाय मांगने को तरजीह दे रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें यह समझ लेते हैं कि क्या हम सब ऐसे हैं, तो जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम हमारे ही पाकिस्तान के रहने वाले बाहर के दीगर ममालिक में जाते हैं और वहाँ पे उनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं, माजी मतलब भरी पड़ी है तारीख हमारी, लेकिन वो यहाँ पर रह के बड़े काम नहीं कर सकते। मतलब जो एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि आपने बात की कि हमने लोगों को ताजर बनाने को जो है ना वो तरजीह दें, उसको हम फ़रोग करें, तो मेरा कंसर्न ये है कि यार क्यों पाकिस्तान में एलन मस्क क्यों नहीं पैदा हो रहा, मतलब बिल गेट्स पाकिस्तान में क्यों नहीं पैदा हो रहा, मतलब पैदा हैं, मतलब उनको उस तरह का एनवायरनमेंट क्यों नहीं मिल रहा। मतलब आप देखें जो अमेरिका है उसकी जो लोग हैं, वो लोगों के पास जो जायदाद है वो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट से कई गुना ज़्यादा है। मतलब तो हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग क्यों पैदा नहीं हो रहे, पैदा हो रहे हैं तो फिर वो बाहर ममालिक में जाके वहाँ पे तो उनको कामयाबी मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान में रह के वो क्यों कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहे, कोई बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर पा रहे, पूरी दुनिया को कोई ऐसी चीज़ नहीं दे पा रहे कि जिससे पूरी दुनिया से हमें पैसे आएँ, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ें। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि एक कल्चर का ना होना ना, एक कल्चर एक माइंड सेट होता है ना एक चीज़ का, वो माइंड सेट कल्चर का ना होना एक बड़ा मैटर करता है। कल्चर में क्या होता है कि मिसाल तौर पर मैं पढ़ गया हूँ, हमारे घर का कल्चर बन गया कि हम दूसरा भी पढ़ेगा, तीसरा भी पढ़ेगा, एक कल्चर बन जाता है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो जैसे आपने बताया कि हम पैसे एक घर में एक बड़ा होता है, हम सब उससे मांगते हैं, फिर हम थोड़ा सा होता है तो गवर्नमेंट से मांगते हैं। तो मतलब आई मीन हमारा वो जो कल्चर है ना वो डिवेलप नहीं हो पाया। कि कल्चर क्या है कि भाई हर एक को अपने तई एक एफर्ट करनी है कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ अपनी ज़ात के लिए है और अब लोगों के लिए, तो वो कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। दूसरी बात डेफिनेटली उसमें फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और ये जो इंस्टेबिलिटी है हमारे कंट्री में, तो ये भी एक डेफिनेट मेजर फैक्टर होता है। जब लोगों को पता नहीं होता मतलब कि मैं अगले साल क्या करना है, 6 महीने बाद क्या करना है, तो फिर वो लोग ये सोचते हैं कि यार बजाय इसके कि मैं अब मिसाल के तौर पर अब यकीन करो मतलब ना समटाइम क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं प्लाजा खड़ा कर दूँ, देर इज चांसेस के कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी और ये मेरा प्लाजा गिरा देंगे जो मेरी पूरी ज़िंदगी की इनकम होगी। तो जब इतनी अनसर्टेनिटी होती है, जितनी मतलब ना आप जो होता है ना मतलब कि वो किसी को तो हम पंजाबी में बोलते हैं भांदे तो सब कुछ भावे थे भांदे तो कख ना भावे, मतलब जब हम पकड़ने पर आते हैं ना तो हम ऐसे चीज़ों को चूंटी भी मारी है ना तो हम उसको बोलते हैं कि यार आपने तो 100 बंदा कत्ल कर दिया और आप तो जेल में हैं और आपको तो ये हो गया, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो मर्जी वो कर लें उसको कुछ नहीं करते। तो जब हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो ये जो कंट्री का लॉ है वो सबके लिए बराबर नहीं होगा, जब इंसाफ सब बराबर नहीं होगा, जब पता होगा। मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने सोचा जब बिज़नेस का सोचा तो मैंने सोचा कि यार मैं ना पहले थोड़ा सा बैकअप प्लान बनाता हूँ। तो मैंने ना पाकिस्तान में किसी के साथ इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, यकीन करो 3 महीने में वो बंदा खा गया।
मैंने 4-5 लोगों से पूछा कि यार मैं क्या कोर्ट में जाऊं, मैं क्या, मुझे इंसाफ मिलेगा क्या, मैं क्या करूं, कैसे करूं। यकीन करो मैंने 3 वकीलों से बात की, 3-4 अपने सीनियर से बात की, और मुझे उन लोगों ने बोला यार अगर आप अपनी एनर्जियाँ ज़ाया करना चाहते हैं, आप कोर्ट्स में खज्जल खुआर होना चाहते हैं तो आप जाएँ, अपना टाइम बर्बाद करना चाहें तो करें, इससे आधा एनर्जी लगा के आप दोबारा से पैसे कमा सकते हैं। और और मैं आपको सही बताऊँ, और यही चीज़, ये माइंड सेट क्या है कि लोग कि जब लाभ बराबर नहीं होगा सबके लिए, जब लाभ को पकड़ेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, फिर हम कहेंगे कि जी अभी मैं, और फिर मैंने लोगों से भी डिस्कस किया बहुत से लोगों, तो यकीन करें कि हमारे तो ढेर सारे लोगों की ये स्टोरी है कि वो उन्होंने पैसे कमाए, इन्वेस्ट किए और अगर बंदा खा गया, और फिर हमारे पास कोई कानून नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सर जो आपने रोल ऑफ लॉ की बात की है ना, इस पर मेहनत लगी है हमारी, ऐसे हम 130वें नंबर पर नहीं आए, टोटल कितने हैं 139, राइट। तो उसमें जो हम 130वें नंबर पर आए हैं ना, उस पर बड़ी मेहनत लगी है, ऐसे नहीं आ गए, अनफॉर्चुनेट है। मतलब मुझे लगता है कि हम अगर ये नहीं ठीक करेंगे ना, तो हम बहुत से लोगों को जब ट्रस्ट गेन नहीं कर पाएंगे, और अगर ट्रस्ट गेन नहीं कर पाएंगे तो फिर जो है वो, अब देखें ना ओवरसीज में ख़ास तौर पर अगर बताऊँ तो हमारा हर एक का दिल करता है कि हम जाएँ अपने कहीं एक टाइम के बाद, सर्टन पीरियड के बाद हमारा दिल करता है कि हम जाएँ और दोबारा अपने कंट्री में बसें, हमने पैसे कमा लिए, सेविंग कर ली, वापस जाएँगे। तो आई मीन कि वो जो रूल जो लॉज हैं इतने कमज़ोर हैं कि फिर हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब है कि हमें कम से कम अपनी कोर्ट्स इंसाफ सबके लिए बराबर अगर नहीं करेंगे ना, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एज ओवरसीज पाकिस्तानी अगर ये सोचता हूँ, लेकिन आप समझें कि जो मेरा दिल है, दर्द है, दर्द है ना, समटाइम मैं अपना, मतलब मैंने अभी क्या किया है कि मैंने सोचा कि मैं अगर गांव में अपने में कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने तो एक एजुकेशन सेंटर बनाया, आपको पता है। दूसरा मैंने सोचा कि मैंने सोचा कि यार मैं ना थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कराता हूँ, मैंने लोगों को जानवर रखवा के दिए, और इस इंटेंशन से रखवा के दिए कि यार इससे जो प्रॉफिट आएगा डेफिनेटली आधा हिस्सा उनका जाता है। अब यकीन करें कि मुझे साल के बाद अगर जो प्रॉफिट आता है ना, मुझे कम से कम समटाइम 100% प्रॉफिट आता है, लेकिन मुझे करेंसी लॉस इतना होता है कि मेरे नेट प्रॉफिट, नेट में लॉस में होता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं क्यों करता हूँ ये चीज़, द रीज़न इज़ कि मैं थोड़ा सा, मतलब क्योंकि पाकिस्तानी हूँ, ओवरसीज़ हूँ, और मैं दिल करता है कि मैं जो है ना वो लोग इससे कमाएं। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल आदमी को देखें जो कि सिर्फ बिजनेस मैन है, वो कैसे इन्वेस्ट करेगा जब आपका इतना करेंसी लॉस हो रही, क्यों हुआ करेंसी लॉस? द रीज़न इज़ कि हम पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और फिर और हमारा जो जस्टिस है, सिस्टम है, वो इतना तकड़ा नहीं है कि हम, कोई बंदा अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको रियल में उसको लगा पता होगा कि मेरे से कोई नाइंसाफ़ी हुई तो लॉ इज़ विद मी। यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि मैं मतलब रियली कुछ चीज़ें जो है ना, मैं नहीं करना चाहता, मैंने पैसे वो बता रहा हूँ कि जो बंदे ने दिए, तो मुझे लोगों ने बोला किसी तकड़े पुलिस वाले को पकड़ लो, कुछ तकड़े FIA वाले को पकड़ लो, वो 2 मिनट में आपको निकलवा लेगा, लेकिन कोर्ट में क्या खजल खुआर हो जाएगा। दिस इज़ द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल। अगर ये लोग जो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो फील करते हैं, तो होता है ना ऐसा, गाना पॉइंट। तो ये चीज़ जो है ना, जस्टिस से हट के एक पैरेलल गवर्नमेंट है, मतलब ठीक है, तो वो अनफॉर्चुनेटली। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, तो नफर हुसैन के मुताबिक एजुकेशन के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, एजुकेशन के बाद स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें ताजर बनाने के ऊपर जो है ना काम करना चाहिए, और तिजारत को फ़रोग देना चाहिए। और इसके साथ साथ उनका मज़ीद ये कहना था कि रूल ऑफ लॉ और पोलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, तब तक हम ना सिर्फ ये कि हम तरक्की नहीं कर सकते, बल्कि हमारी जो ये सिचुएशन है कि इस वक्त हम जिस हाल में है, ये मज़ीद हम तरक्की माकूस की जानब जाएंगे, मज़ीद पस्ती और बदहाली की जानब जाएंगे, और गुरबत और बेरोज़गारी का खात्मा करना फिर हमारे लिए महज़ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। तो उनके ख्याल के मुताबिक ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में, आप सब अपनी राय दें कि आपके ख्याल के मुताबिक वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, और क्या आप नफर हुसैन के बताए हुए पॉइंट्स के साथ एग्री करते हैं या एग्री नहीं करते। और साथ ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट मुझे किस पर्सनैलिटी के साथ इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, या इस हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ का नेक्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।